ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। आद्रा एक शहर और एक रेलवे कॉलोनी है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आद्रा शहर अपनी एंग्लो इंडियन आबादी के लिए जाना जाता था। यह उत्तर पूर्व पुरुलिया का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। आद्रा एक रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए भी जाना जाता है। हे गाइस, दिस इज अंकुश शर्मा और अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल के आद्रा शहर में। आद्रा सिटी में अभी मैं हूँ और अभी मैं विजिट करने वाला हूँ पंपू तालाब। तो सबसे पहले पंपू तालाब चलते हैं अंदर। ये आद्रा के साउथ साइड में पड़ता है, साउथ वेस्ट साइड में, और काफ़ी यहाँ का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। तो पहले आपको पंपू तालाब दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे। तो जैसे आप यहाँ पंपू तालाब में एंटर करते हैं, पहले आपको एंट्री फीस लेना होता है। यहाँ पे जो भैया है, यहाँ पे आपको एंट्री फी आपका एक पर्सन का 10 रुपया है। तो यहाँ से पहले एंट्री फी आपको एंट्री टिकट लेना होता है। अभी पंपू तालाब पे मैं हूँ और जैसा यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, क्या क्या मतलब आपको विजिट करने के लिए है और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए कि ये पंपू तालाब किस लिए फेमस है और यहाँ क्या क्या टूरिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए फ्री वेटिंग होता है यहाँ पर और पिकनिक वगैरह भी होता है, और यहाँ पर जो तालाब है वो उसमें बोटिंग भी होता है, टॉय ट्रेन है, बच्चों का खिलौना है, और ऐसी तो पार्टी सार्टी है। जैसे आप शादी भी कर सकते हैं इवेंट में, केक भी मतलब बर्थडे पार्टी भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल एक्टिविटीज सारा हो जाता है जो रेगुलर एक्टिविटीज करना चाहते हैं अपन के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे पिकनिक भी हो सकता है ना? पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे मौजूद है। और ये टॉय ट्रेन पूरा आपका ये घुमाता है, पूरा जितना पूरा ये आपका पार्क घुमाता है ना? ओके भैया, धन्यवाद। तो अभी चल रहा हूँ टॉय ट्रेन में, बैठ विजिट करता हूँ पूरा पार्क को, उसके बाद काफी मजा आने वाला है, देखते हैं आगे। अभी भाई टॉय ट्रेन के लाइन पे ही चल रहा हूँ, देख लो ये सही है, लेकिन ऐसे आप ट्राई ना करें सही लाइन पे, वरना काफी नुकसान हो सकता है। अभी जा रहा हूँ टिकट लेने। आपका जो टॉय ट्रेन है, इस टॉय ट्रेन का टिकटिंग जो एक पर्सन का होता है वो है 15 रुपीज, 15 रुपए एक पर्सन का। ये जो है आपका पूरा पार्क को घुमाता है। अभी जाता हूँ, विजिट करता हूँ, इसे पूरा घूमता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ रिव्यू कैसा है। तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, ये जो टॉय ट्रेन है, आवाज़ काफ़ी है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही मस्त जगह है। सही है, टॉय ट्रेन से विजिट कीजिए, पूरा आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, लेकिन शोर बहुत ही ज़्यादा है। गुफा के अंदर अभी तो राइड हो चुकी, काफ़ी अच्छी थी, पूरा आप पार्क घूम सकते हैं, बीच में गुफा भी आएगा,
काफ़ी मज़ा आएगा उस गुफे में जाने के बाद। तो अच्छा है, 15 रुपये सिर्फ टिकट है इसका, ओनली 15 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन आप पूरे पार्क को इससे देख सकते हैं। और जो उधर जो पंपू तालाब जो नाम है ये पॉन्ड का, वो भी आप अच्छे से देख सकते हो, मतलब काफ़ी क्लैरिटी से, और सही में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आए तो ये एक्टिविटी जरूर ट्राई। ओके, अब चलता हूँ आगे दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ। यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। ये साथ में गाइड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अपना भाई, तो राइड स्टार्ट हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट है कि आप एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, और अगर आपके साथ गाइड है तो आप जा सकते हैं पूरा तालाब में जहाँ तक आपका मन करे। लेकिन विदाउट गाइडेंस अगर आप जाते हैं तो उल्लंघन ना करें, सेफ्टी फर्स्ट। और वैसे भी ये जो तालाब है वो काफ़ी गहरा भी है, इसीलिए अगर अकेले आप है या फिर कपल है तो सावधानी से। और अगर आपको ज़्यादा दूर तक सफ़र करना है, ज़्यादा दूर तक आपको बोटिंग करनी है, तो आप गाइड प्रेफर करें। मैं कहूँगा कि गाइड आप ले, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। सेफ्टी के साथ पूरी आप जो राइड है वो कर सकते हैं। घूम जाओ, घूम जाओ। हाँ, सेफ्टी में जो है पानी, ये सेफ्टी में रहेगा, आप एरिया में रहेगा तो, अगर दूसरा जगह चल जाएगा तो अंदर में जो जल सब है, कचरा वचरा लग जाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए हम लोग मना करते हैं। ज़्यादातर मौत जितना हम लोग को डेरम सब ऑर्डर किया है उसमें मतलब वैसे काफ़ी नीचे जो फंस जाता है ना मोटर जाके, इसीलिए मना करते हैं ज़्यादा दूर जाने से, नीचे मलबा कचड़ा जमा हुआ है। और बोटिंग का प्राइस आप लेते हैं पर पर्सन का 60 रुपये बोटिंग। ऐसे 60 रुपये बोटिंग, यहाँ पे दो लोग आते हैं तो 60 रुपये में बोटिंग आप कर सकते हैं। और बाकी आप इन भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम बता दीजिए। समीर बाबू। और ये जो आपका बोटिंग करने का जो जगह है, प्लेस है, ये साहिब बांध, ये जो है साहिब बांध पंपू तालाब, ये नाम है, आद्रा में साउथ ईस्ट में आपका ये लोकेशन है। तो राइड हो गई, अब बाकी आगे दूसरी तरफ चलते हैं। भाई बोटिंग करते समय रिस्क मत कीजिए, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो गाइड है यहाँ पे आपको चेतावनी देते हैं, वो आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। देखिए वो दलदल पूरा मलबे वाला इलाका है और वो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, तो भाई ऐसी गलती ना करें, जान से हाथ ना धोए प्लीज़। चलिए, कमल का फूल जोड़ा जाता है। भाई पूरा तो नहीं निकल पाया, लेकिन ये जरूर निकला, देखिए। बाकी इसका पीछे वाला हिस्सा अंदर ही रह गया टूट के। चलिए अच्छा है, तोड़ लिया। पहली बार लाइफ टाइम में पहली बार मैंने कमल तोड़ा है। चलिए सही है, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। ज़रूरी बात करना है आप लोग से, खास करके आप कहीं भी पे भी बोटिंग करते हैं, कहीं पे भी जाइए बोटिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक गलती करेंगे आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, जान से हाथ धो बैठेंगे। और आपकी तो छोड़ो यार, फैमिली को लेके घूम रहे हो, किसी को लेके भी घूम रहे हो,
पूरी की पूरी लाइफ वहीं पे आपकी ख़त्म, एक गलती आपकी। जैसे अभी वहाँ पे मैंने दिखाया वीडियो में कि वो मलबे की तरफ जो पूरा एकदम वहाँ पे मलबा जमा हुआ था, पूरा एकदम कीचड़ था, वहाँ पे लोग गए बोटिंग करने के लिए समझाने के बावजूद। यहाँ पे अभी परमिशन 3 पोल वहाँ पे लगा हुआ था, 3 पोल तक ही आपको जाने का परमिशन है, उसके आगे नहीं है। जाते अपने रिस्क पे, ठीक है, लेकिन अगर दलदल में जाओगे ना तो कितना भी तैरना है आपको मरना निश्चित है। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, अपनी भी और अपने फैमिली की भी। चलिए, और बाकी आप यहाँ का सीन देख ही रहे हैं, लाइटिंग में और भी खूबसूरत लग रही है। बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ, अब मेन मार्केट हम लोग घूमेंगे आद्रा का, और यहाँ की फेमस पानी पूरी खिलाऊंगा आपको, उसके बाद जो फेमस डिशेस है वो आपको शेयर करूंगा आपके साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक्स टू अरकुल, बहुत सपोर्ट किया इसने, इसने ही पूरा आद्रा घुमाया मुझे। बाकी इस वीडियो में आपको आद्रा का ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस जो है ना, ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे लोग कैंडल जलाते हैं मदर मैरी के सामने। अपना